नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज नवंबर महीने की 22 तारीख है और आप सबको पता ही है कि 8 दिन के बाद झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी। विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसके अंतर्गत उसके बाद फिर 7 तारीख को, 12 तारीख को और मतलब 5 चरणों में मतदान होना है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ इसके लिए प्रचार कर रही हैं, नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को सहयोग करने वाली जो प्रशासनिक टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो भी लगातार काम कर रही है कि वोटिंग अच्छे से हो जाए, लोग घरों से निकलकर वोट दें और जो लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारा पार्टिसिपेशन है वो हम अपना कर सकें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। तो इसी विषय पर बात करना है हमको कि मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे चुनाव में, और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। हम स्वागत करते हैं संजय मिश्रा जी का जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, ये संपादक हैं प्रभात खबर अखबार के रांची में, और पीयूष रंजन जी का जो रजिस्ट्रार हैं राय यूनिवर्सिटी जो रांची की है उसके, और हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं मोहन भागवान जो संपादक हैं दैनिक भास्कर अखबार के रांची में। इन तीनों ही, आप तीनों ही लोगों का औपचारिक तौर पर स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग मतदाताओं को जागरूक करें, कैसे पार्टिसिपेट करें मीडिया और सब सोसाइटी की, जिसमें चुनाव अच्छे से हो सके। संजय जी बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर। देखिए, आपने बताया कि लोकतंत्र का उत्सव पूरे तरीके से झारखंड में उत्सव की पूरी उत्सव प्रियता, हमारा पूरा लोक जो है उत्सव प्रियता का है और उसमें इलेक्शन का पूरा माहौल बना हुआ है, बन चुका है। उसमें एक अखबार के तौर पर, एक मीडिया कर्मी के नाते हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र को लेकर के जो नकारात्मक जो बना हुआ है माहौल, उससे अलग जा करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इलेक्शन मानव सभ्यता की सबसे अच्छी ईजाद हमारा लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र का डंका पूरे विश्व में बजता है, सुना जाता है और इसकी माने गाथाएं गाई जाती हैं। विश्व के अनेक जो देश हैं वो बोलते हैं कि भारत जैसा लोकतंत्र चाहिए। तो ऐसे लोकतंत्र में और उसमें ऐसे राज्य में जब इलेक्शन है तो हम लोगों का पार्टिसिपेशन इस तौर पर है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था और मजबूत हो। लोकतंत्र केवल श्रद्धा का वस्तु हो नहीं कि केवल हम पूजा करें, उसके प्रति उसकी आस्था हो और उसको लोकतंत्र के जितना से ज़्यादा मजबूत कर सके। तो उसकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण, सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि हम वोटिंग में सबको शामिल करें। लोकतंत्र में वोटिंग का प्रतिशत जितना अच्छा होगा, मुझे लगता है कि हम अच्छा इलेक्शन भी अच्छा होगा, तब हम अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी इलेक्शन अच्छे तौर से कर पाएंगे। तो ये सारी कोशिश है और हम अखबार के तौर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक मीडिया कर्मी के नाते कि मैंने हर तरीके से सूचनाओं से इतना संपन्न बना दिया जाए पाठकों को, हम अपने पाठकों को, अपने समाज के अन्य जो संगठन हैं उन सभी को, कि वो लोकतंत्र में हिस्सेदार बने और एक सकारात्मक हिस्सेदार बने। और पिछले लोकसभा के समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, उसमें उन्होंने एक सी विजिल जैसा एक ऐसा ऐप बना दिया है कि हर आदमी एक ऑब्जर्वर है, वो बता सकता है कि लोग अगर किसी जगह वोटिंग में कोई आदमी घूस दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, जाति के नाम पर वोट मांग रहा हो, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा हो, तो ऐसी शिकायतें हों और उन शिकायतों का पर 180 मिनट के अंदर उन शिकायतों का रिड्रेसल किया करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे लोकतंत्र के, हम अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच कर रहे हैं जो इस बार मिलेनियम वोटर्स है, उनके बीच जा रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपका ये वोट केवल यह सोच के कि एक वोट से होता क्या है, तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और ये उत्सव मनाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बन रही है बहुत बढ़िया। अच्छा, जो विश्वविद्यालयों की भूमिका है लोगों को बाहर निकालने में या जागरूक करने में, आप लोग क्या देख रहे हैं चुनाव को किस नज़रिए से और क्या कुछ आपके यहाँ हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब भी
ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। विश्वविद्यालय में हम ELC इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हमने बनाया है और इस क्लब के जरिए हम अपने विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि हम अपने आसपास के गांव में और विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम करके नुक्कड़ नाटक करके ह्यूमन चेन बना के कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर्स करके हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका सिर्फ अधिकार ही नहीं है बल्कि ये इनकी जिम्मेदारी भी है। मतदान करना ये सिर्फ अधिकार ही नहीं है बल्कि ये इनकी एक जिम्मेदारी भी है। ये अपनी जिम्मेदारी को समझे और हमारा पूरी कोशिश है कि ये समझाने में इनको कि ईच एंड एवरी सिंगल वोट काउंट्स, इस पे हमारा बहुत जोर है। हम एक एक व्यक्ति तक पहुंच के हम ये कोशिश कर रहे हैं इन तक ये पहुंचाने का कि आपका एक वोट बहुत बहुमूल्य स्थान रखता है। लोकतंत्र को मजबूत करने में आपकी भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इनको एग्जांपल्स देते हैं जैसे पास्ट में भी हमने देखा है और इनको बताते हैं केसेस बताते हैं कि देखिए आप 2004 के इलेक्शन में जब 2004 में कर्नाटका में एक वोट से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन में हार जीत हुई थी। 2008 का केस स्टडीज इनको बताते हैं। अपने विश्वविद्यालय में भी हम ये केसेस हम इनको दिखाए बताया इनको कि देखो 2008 में सीपी जोशी जो कि कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान के, इन ये भावी मुख्यमंत्री भी के भी उम्मीदवार थे उस समय 2008 में, ये सिर्फ एक मत से इलेक्शन हारे थे और बीजेपी के उम्मीदवार से। बाद में ये मामला न्यायालय में भी गया जहां बोला गया कि ये चौहान साहब के दो पत्नी ने दो वोट का प्रयोग किया था, दो जगह मताधिकार का उपयोग किया था, शायद हाई कोर्ट से इनको फेवर में गया था बट सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज हो गई थी बाद में। फिर बाद में ये भी कहानियां आई कि इनका खुद ड्राइवर और इनका खुद इनकी पत्नी और बहन जो है ये जाके मतदान नहीं कर पाई उस दिन। तो ये सारे केसेस हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स को और जनता के बीच में ये पहुंचाते हैं कि आपका एक सिंगल वोट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और सिंस हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हमारे पास है जी। तो इनको जागरूक करना पहली बार मतदान करने के लिए, इनमें ये एक्साइटमेंट लाना कि हाँ ये होना चाहिए तो ये इनमें एक्साइटमेंट लाते हैं कि कैसे आप अपने जाके मताधिकार का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें हम विश्वविद्यालय, क्योंकि एक सिनर्जी बहुत ज़रूरी है जी। सिनर्जी बिटवीन द सिविल सोसाइटी कॉरपोरेट और जितने भी संस्थान हैं इनके बीच में सिनर्जी हो तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि बताया सर ने कि वोटिंग प्रतिशत को इंक्रीज करना है। अगर अभी 64-65% के आसपास है हमारा है, तो इसको इंक्रीज करना है तो इसको इंक्रीज करने में ये सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविक सोसाइटी के बीच में, कॉर्पोरेट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके बीच में सिनर्जी इंपॉर्टेंट है जी। वह मोहन भगवान जी का कुछ आधा काम रहा है दूसरे राज्यों में, हालांकि आपने पार्लियामेंट का चुनाव भी यहाँ पर देखा, कितना अलग है झारखंड का चुनाव, यहाँ के चुनाव के तरीके, जो मतदाताओं को जागरूक करने का मामला है वो तरीका? देखिए तरीके तो हर जगह कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम लोग घर से निकलें वोट डालें, यहाँ भी कोशिश देखी कई कोशिश तो जैसे मैं जमशेदपुर में था इसके पहले, जमशेदपुर में कुछ अलग टाइप की पहली बार कोशिश मुझे देखने को मिली, जैसे कि प्रशासन को या चुनाव आयोग को ये करना पड़ा कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन उन्होंने मॉल बंद करवाने पड़े, उस दिन थिएटर्स बंद करवाने पड़े, उस दिन मार्केट बंद करवाने पड़े, पब्लिक प्लेसेस कुल मिला के बंद कराने पड़े ताकि आपको जो छुट्टी मिल रही है उसका उपयोग आप वोट डालने में करो। तो मुझे लगता है कि ये जो इतनी कोशिश जो है जो लोगों को जो की दिशा में आ रही कि लोग घर से निकले, ये लोगों में स्वतः आना चाहिए। मुझे लग रहा है वो जागरूकता अब जरूरी है कि उसके लिए आपको ये करना पड़े कि हम मॉल बंद कराने पड़ रहे हैं, थिएटर्स बंद कराने पड़ रहे हैं। तो ये जागरूकता एक हमें मैच्योरिटी हर सिटीजन को लाना होगी, जैसे कि इसमें मैं जैसे सर ने कहा कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो सिर्फ वोट डालना एक मकसद नहीं होता है,
सही व्यक्ति का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण होता है कि एक लोगों को एक उसकी कीमत एक्चुअल में समझ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है कि वो एक वोट डालना क्या, एक वोट डाल दे और हो गया। तो मुझे लग रहा है जब वो कीमत उसकी समझने लेंगे, वो सही उम्मीदवार का चयन करेंगे, एक छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक पूरे स्टेट को लेकर, या जब देश की बात होती है तो देश के परिप्रेक्ष्य में जब वो वोट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही मकसदपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती, जो चूँकि मैं संदर्भ में बोल रहा हूँ कि तमाम सारी पार्टियाँ, तमाम सारे नेता, प्रलोभन वाला जो मसला है वो केवल झारखंड में नहीं, हर जगह आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब उसमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रलोभन का वो मत करो, नहीं करना चाहिए ना। हम लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा एक उत्सव डेमोक्रेसी का ये होता है, तो उसको उत्सव की तरह ही लेना चाहिए। जैसे हम जब कोई त्यौहार होता है तो हम एक टोली में जाते हैं और फिर जश्न मनाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को मिलके अपने यार दोस्तों के साथ किए मोहल्ले में गए, चलो साहब चलें अपन वोट डालने चलो, एक जश्न के रूप में मनाया जाए, वाकई में वो त्यौहार पर्व के रूप में मनाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से हम आनंद भी उठा पाएंगे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल पाएगा। और ये जो मीडिया का पार्टिसिपेशन होता है, मीडिया का जो रोल होता है, उसमें मीडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ आप ही का अखबार नहीं बल्कि रांची के मीडिया के संदर्भ में? देखिए, इसमें सिर्फ हम एक केवल मैं मतलब अपने अखबार के बारे में बात करूं या सारे ग्रुप के बारे में बात करूं, तो सभी का जो मकसद होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि निकले वो और वोट डालें, बल्कि हम इस बात को लेकर भी जागरूक करते हैं, इस बात को ही बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपके सामने प्रत्याशी है वो क्या है, उसका जो आपके सामने उम्मीदवार है उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सारे हम एस्पेक्ट उसमें बताते हैं। तो उसका जो मकसद वो यही होता है कि आप अपने उससे विवेक से आप चयन करें कि कौन जो है इसमें सही है। तो सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमको ये भी बताना है कि सही प्रत्याशी कौन है। मुझे लगा तभी हम लोगों की जिम्मेदारी सारे मीडिया की पूरी होगी। ये ठीक कह रहे हैं संजय जी, इसी बात को बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में जो व्हाट्सएप का है, जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, गलत चीज़ें भी सही चीज़ें भी, तो ऐसे में कितना कठिन होता है चीज़ों को चेक कर पाना, फैक्चुअल न्यूज़ दे पाना और इंटरेक्ट कर पाना समाज से? नहीं देखिए, बहुत मैं कहूँ कि एक अखबार के तौर पर या पूरे प्रिंट मीडिया को या जो भी रिलायबल मीडिया अपने आप को लोग बताते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है बताने के लिए कि जो भी आप एक आजकल शब्द चलता है फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ कोई शब्द नहीं होना चाहिए, शब्द ये होना चाहिए कि वो न्यूज ही नहीं है। जब न्यूज़ कोई भी चीज़, कोई भी अगर सूचना कंफर्म नहीं है तो न्यूज नहीं है। तो फेक न्यूज़ जो शब्द है वही गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसको बताना कि फेक न्यूज़ नहीं, न्यूज़ वही होगा जो कंफर्म होगा, फेक न्यूज़ का कोई अस्तित्व होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब ऐसे इलेक्शन के इस वातावरण में ये हम लोगों की भूमिका, और मुझे लगता है कि पूरा पाठक वर्ग या जो श्रोता वर्ग है वो मैंने इस मामले में बहुत पिक एंड चूज़ करता है और उसको पता भी है, बहुत स्मार्टली डील करता है और उसको लग जाता है कि कौन सी चीज़ें खबरें बताई जा रही हैं, कौन सी खबरें फैलाई जा रही हैं, किसका कौन सा मकसद है, वो अखबारों से या हम पत्रकारों से ज़्यादा आगे बढ़ के सोचता है। और बहुत मज़ेदार वाक़या हम लोग यहाँ पर लगातार अभी लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, इस इलेक्शन में भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे मतदाता हैं और जो ये हैं वो लगातार बहुत पैनी निगाह, और उनको मैं बताऊँ कि मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता बहुत ज़्यादा होशियार है, उसको होशियारी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तेज़ी से देखता है, उसके पास सूचनाओं के अपने संग्रह हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है, जितने नीचे स्तर पर आप आते जाइएगा उस समय वो प्रत्याशियों के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। ये ठीक है कि वो फिर अपने ढंग से सोचता है और उसके अपने ढंग से वो अपना आदेश भी देता है कि आपको मैंने आदेश दिया विधायक बनिए, इस तरह का है, लेकिन उसकी होशियारी पर मुझे कभी कोई शक सुबह नहीं रहता है। अलबत्ता ये जरूर रहता है कि हम पत्रकारों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम उनके पास और ज़्यादा ऐसी सूचनाएं भी दें, ऐसी सूचनाएं भी पहुंचाएं जो अब तक उन तक पहुंची नहीं है, और सच्ची हो, सीधी हो, सपाट तौर पर हो, हम सूचनाएं उन तक दें, ये जिम्मेवारी हम लोगों की बढ़ जरूर जाती है। लेकिन एक वोटर के नाते मैं मुझे लगता है कि हमारा वोटर बहुत ज़्यादा परिपक्व है, अभी उन्हीं वोटरों के कारण
वोटिंग प्रतिशत आप देखिएगा कि जो पढ़े लिखे लोगों के पढ़े लिखों के मोहल्ला है उनके यहाँ वोटिंग प्रतिशत का मैंने जो प्रतिशत देखिएगा वो ग्राफ नीचे रहता है, और ऐसे मोहल्लों में जाके देखिए जहाँ जो आप जिसको आप स्लम्स बोलते हैं, मलिन बस्तियाँ बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं, गांव बोलते हैं, वहाँ वोट प्रतिशत देखिए और वहाँ इलेक्शन का पूरा माहौल बना हुआ है। आप देखिए गली में नुक्कड़ में चाय पीते हुए, छेड़ते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए, और पूरा उत्सव के माहौल से वो लोग पूरा देखते हैं इलेक्शन को। हमारे लिए हो सकता है कि टेंशन हो, लेकिन वो पूरा उत्सव और खूब मज़ा ले ले करके आप कभी हम पत्रकार के तौर पर जब भी जाते हैं तो देखिए पूरे मजा के मूड में रहते हैं। वही बोलता है छापी बताइए किसको वोट देना है, उनको मालूम है कि ये बंदा नहीं बताएगा लेकिन जरूर बोलता है छापी बताइए और जानकारी दीजिए। मैंने उसकी भूख पूरी है और पूरी उत्सव प्रियता है मैं मानता हूँ। बहुत झमाझम होकर के वोट भी देने निकलता है वो गाँव का। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एलीट जिनको कहलाते हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं, ये इनके साथ निकलना मुश्किल है। ये एक चुनौती है, तो इस चुनौती में हम आएंगे आपके पास पीयूष जी के पास, से पहले मोहन जी के पास चलते हैं कि ये जो चुनौती है इस चुनौती से कैसे निपटे है सोसाइटी कि जो अपर क्लास है वो आता ही नहीं वोट देने। देखिए ये तो एक संकट तो है, ठीक है, तो वो जो मैंने कहा ना कि एक ये जिम्मेदारी वाला मसला, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो एक वोट है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक जो मुझे लग रहा है एक जो मानसिकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चूंकि उसके पास सब कुछ है तो उसको लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, तो मुझे लग रहा है एक वजह ये भी हो सकती है कि सारे संसाधन उसके पास है और वो जो बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि उसकी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सारी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं के जरिए मिलेगी। अगर आप देखेंगे अभिजात वर्ग का कोई व्यक्ति है तो क्या वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराना जाएगा? वो नहीं जाएगा। तमाम सारे बिजली अगर कट रही तो क्या उसको दिक्कत है क्या? उसके यहाँ तो तमाम सारे इन्वर्टर्स, जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मुझे लगा है जो डिपेंडेंसी है वो शायद उसकी कम है, तो इसलिए जो उसका जो आस्था कहें कि वो शायद उसके प्रति, वोटिंग के प्रति कम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पिछले दिनों में ये जो है ये इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो एक तो ये कि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो ये एक सवाल तो खड़ा करेगा जी। तो मुझे लग रहा है इसमें जो है ये गंभीर विषय तो है जिसमें सभी को, पूरे समाज को सोचने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। पीयूष साहब, क्योंकि आपके पास वो यूथ है जो पढ़ता है, जो मिलेनियम वोटर भी है, और आप उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है भैया आप पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, कहाँ दिक्कत है, कैसे ये जो अभिजात वर्ग है कैसे इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़े? जैसा कि बताया इन्होंने कि इन्हें लगता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, ये अपने आप को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं इसका ये पार्ट अपने को भागीदार मानते ही नहीं है। हमारी कोशिश हमें यही होना चाहिए कि किसी तरह जो अर्बन सो कॉल्ड अर्बन सोसाइटी है इनको कैसे इसमें पूर्ण रूप से इनको भागीदार बनाया जाए, और जिस दिन यही अर्बन सोसाइटी भागीदार बनेंगे तो ये वोटिंग प्रतिशत जो आज हम 64 और 65 पे बात करते हैं ये 80% तक जरूर पहुँचेगा, 80-85% तक जरूर पहुँचेगा। समस्या यही है कि इनको कैसे इनको मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको इनकरेज किया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे कैंपेन चलाया है, स्वीप के जरिए भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के और मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे आपका मतदान कैसे आपका एक भी वोट कैसे महत्व रखता है। हम इनको इनकरेज ही कर सकते हैं, इनको मोटिवेट कर सकते हैं, प्लस हम जब अपने विश्वविद्यालय में जब बच्चों को जब हम ये बोलते हैं कि वोट करने जाना है तो हम ये नहीं बोलते तुम्हें वोट करने जाना है, हम सब परिवार वोट करने जाने की पे जोर देते हैं। हाँ, सब परिवार जाने की वोट जाने की, चाहे ये आपके परिवार में बुजुर्ग हो, चाहे आप अपने माता पिता हो, आप सबको वोटिंग तक लेके जाइए। हम यहाँ तक कि अपना एक हैशटैग ओपन करते हैं कि आप सेल्फी लेके भेजिए वहाँ से, इनकरेज करने के लिए कि चलिए वोटिंग का आप सेल्फी लीजिए और सेल्फी लेके भेजिए और अपने परिवार के साथ जाइए वोट करने। जैसा कि हम
बातचीत कर रहे हैं कि ये त्यौहार है, एक महाकुंभ है, तो इस महाकुंभ में सब साथ जाके, जैसे हम एक त्यौहार में सब परिवार साथ भागीदार बनते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करने में, तो इसी तरह आप अकेले ना जाएं, आप जाएं और अपने साथ सारे परिवार को साथ लेके जाएं और इस उत्सव का आनंद लें। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे जो भी चुनौती वाकई में है अभिजाति वर्ग की, तो वह कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो क्या होता ना कि पोलिंग बूथ पर बड़ी बड़ी कतार लगी रहती थी, धूप में परेशान हुआ करते थे, तो ये आइडेंटिफाई किया चुनाव आयोग ने और मुझे लगा वो समस्या खत्म हुई। हाँ, तो पोलिंग बूथ अच्छे बनने लगे, तमाम सारे कालीने बिछा के बनने लगे। हम जमशेदपुर में पिछली बार देखे थे, अरे बिल्कुल ऐसा माहौल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह मॉडल बहुत अच्छे, पानी की सुविधा, कहीं शेड, कहीं आपको धूप की समस्या नहीं होगी, तमाम सारी सुविधाएं, वेटिंग के लिए अगर वेटिंग हो तो आपको कुर्सियां आपके लिए लगी हुई। तो वो जमाना था ना, तो एक परसेप्शन लोगों में मुझे लगा गलत बना कि यार वहां जाके घंटे भर लाइन में खड़े रहो। तो एक तो क्या नंबर ऑफ पोलिंग बूथ इन्होंने बढ़ा दिए हैं और दूसरा सुविधाएं बढ़ा दी, तो मुझे लगा ये वही वजह है कि जो इनका वोटिंग परसेंटेज कम था उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए और उसका मुझे लगा थोड़ा सा रिजल्ट हमको पॉजिटिव आया। एक तो फ्रेंडली माहौल होना ही चाहिए जब आप वोट करने जाते हैं या कहीं पर ऐप भी एक ऐप भी लेके आए हैं जहां पे आपको ये पता लगेगा कि आप कितना कतार है, कितना लाइन है, आप इसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको कब जाना है यहाँ तक। हाँ, तो ये पहल है, यहाँ तक पहल लिया है चुनाव आयोग ने, तो ये अर्बन वोटर्स को फायदा, अर्बन वोटर को इससे फायदा होगा, बिकॉज कतार से ये बहुत सही बात इन्होंने बताई कि ये कतार में लगने से ये कभी इनको कभी आदत नहीं है कि कहीं किस किसी कतार में लगने की, तो ये कभी आज तक कभी किसी कतार में ये लगे नहीं, तो ये वोट देने के लिए भी कतार में नहीं लगना चाहते हैं, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक पहल किया है जहाँ पे इनको लाइव इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कहाँ तक कैसा क्यू है, कितना क्यू है, कब आप जाए, किस समय जाए, और अगर ज़्यादा कम है उस समय आप घर से निकले, तो इस तरह से पहल किया है चुनाव आयोग ने। उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और इस बार वोटिंग बढ़ेगी। ये जो बात कर रहे थे कि क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, जो हाईली पेड लोग इनके पास पैसा है या जो संपन्न है तो उनको बहुत लगता है कि ठीक है क्या ज़रूरत है वोट में पार्टिसिपेट करने की, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है, सारे अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं भाई साहब। फोन का पैसा कम हो, ये हो, आप देखिए अगर मज़ेदार चीज़ कि ऐसे 2% लोग हैं और उनके लिए पूरा कानून बनता है, आप ये देखिए, वे अपने लोकतंत्र को एक तरह से उन्होंने एक बांधी बना के रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जो कोई भी विधायक जीत जाएगा आएगा फिर मेरे घर, ये जो अप्रोच है, या मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग जो वोट देने नहीं निकल पा रहे हैं, कोई अगर उनकी अक्षमता है या कुछ और बात है, परेशानियां तो अलग बात है, नहीं तो केवल ये उस तरीके से कि लोकतंत्र को गरियाएं, लोकतंत्र का माखोल बनाएं और उसके बाद जब दिन वोट देना हो उस दिन वो अपनी नौकरानी तक को छुट्टी देने के लिए उनको दिक्कत है। मॉल इसलिए बंद कराना पड़ा, फिल्म मॉल इसलिए बंद कराना पड़ा क्योंकि ये जो मॉल के जो मालिक है उनको लगता है एक दिन का घाटा कौन उठाएगा, ये जरूरी बन गया। आप इनको मैं अभी इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी, वो पूछ रहे थे कि हम लोगों ने इतनी सारी सुविधाएं दी, हमने कहा कि आप इनको घर बैठे वोट देने के भी अधिकार दीजिएगा ना, तो संभवतः इनको लगेगा कि क्या यार आफत का है, ये आपराधिक कृत्य करते हैं। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब वोट ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों जो लोकतंत्र का माहौल तो खूब पूरा खराब करते हैं, माखौल पूरा उड़ाते हैं, और जब वोट देने का नाम हो उस समय पूरी तरीके से अपने आप को अलग रखते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं जब कुछ रेवड़ी बटना हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े आपके पास हैं, आप देखिएगा पिछले 70 सालों में जो रेवड़ी लेने वाली जो पूरी प्रजाति है वो इन्हीं लोगों से आती है, ये कहीं से नहीं है जी। ये जरूर चर्चा का विषय है और ये संकट है, लेकिन चुनाव आयोग की ये बात ठीक ही कही मोहन भगवान जी ने कि चुनाव आयोग ने कई सारी सुविधाएं दी हैं जो आपको आमंत्रित करता है कि आप आइए वोट दीजिए, और आप वोट देंगे तभी तो आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाई आप सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं, आपने बताया ही कि डेमोक्रेसी क्या है। ये जो अभी का जो झारखंड में जो चुनाव हो रहा है जिसमें सिविल सोसाइटी की भी अपनी भूमिका है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जमशेदपुर में देखा पिछला चुनाव और अब आप यहाँ भी हैं और आपने दूसरे राज्यों में भी काम किया है, जो झारखंड में सिविल सोसाइटी है वो कितनी एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर? देखिए मेरा अनुभव जमशेदपुर का इसको लेकर बहुत अच्छा है, वहाँ सिविल सोसाइटीज़
बहुत ही एक्टिव है, सिर्फ इस काम में नहीं, हर काम में, जो हर काम जो अच्छा काम होता है, खासकर यहाँ जैसे ब्लड डोनेशन कैंप की हम बात करें तो जमशेदपुर में देखा सबसे ज़्यादा वहाँ पर वो करते हैं। तो जहाँ पे सोसाइटीज एक्टिव होती है वो सभी में एक्टिव होती है। तो सेम जो है वो हम कहें कि वोटिंग वाला जो काम है उसमें भी वो एक्टिव होती है। तो ये जमशेदपुर का चूँकि मेरा ज़्यादा अनुभव है तो मैं उसी से मैं अपना परसेप्शन झारखंड को लेकर बनता है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटियाँ यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है, मुझे उसमें नहीं लगता कि ऐसा कहीं कुछ वो इशू हो। वही बात जो संजय जी ने भी कही कि कुछ अपने जो अभिजात्य वर्ग है जिनके अपने लगता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, वो जो बरसों से हर चुनाव में नहीं निकलते हैं, वही लोगों के कारण ये सब चीज़ें बिगड़ती है। अदरवाइज जो है बाकी सब चीज़ें मुझे लग रहा ठीक ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए पीयूष? अब्राहम लिंकन जी ने बोला है कि बैलेट पावर इज मोर देन द बुलेट पावर। तो हमें ये चीज़ों को हर एक को समझाना है, इसका महत्व को बताना है। चुनाव आयोग अपने पहल से बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी पहल चुनाव आयोग की तरफ से है। ज़रूरत है कि एज ए सिटीजन, एज ए सिविक सोसाइटी, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम भी आगे बढ़ के इसमें हाथ में हाथ मिला के और चले। आप बस एक मिनट संजय जी, लास्ट का मिनट बताइए। नहीं खूब, मैं तो पूरे अपने साथियों से लेके हर एक मंचों से मैं बोलता हूँ कि उत्सव है, शामिल होइए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। हमारा नारा ही है कि वोट कीजिए और राज्य को गढ़िए, देश को गढ़िए। ये आपको करना पड़ेगा अगर आप इस चुनाव में इसको उत्सव समझकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप भारत के समझदार नागरिक हैं। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वोट देने से कुछ बहुत फ़ायदा या घाटा नहीं होने वाला है तो इस धारणा को बदलिए, वोट दीजिए और फिर देखिए लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।